डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक के 5th चैप्टर इंडिगो को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसके लेखक है लुइस फिशर। इंडिगो जो चैप्टर है जो लुइस फिशर ने लिखा है, ये गांधी जी की स्ट्रगल बताता है गरीब किसानों के बारे में, जो चंपारण में उन्होंने की थी 1917 में। और ब्रिटिश प्लांटर्स ने वहाँ पर शेयर क्रॉपर्स की लाइफ को बहुत मिजरेबल बना रखा था और उनको ज़बरदस्ती जो है इंडिगो नाम की एक कैश क्रॉप उगानी पड़ती थी उनको टैक्स के रूप में, उसका उन्हें कोई पैसा भी नहीं मिलता था। लुइस फिशर गांधी जी से 1942 में मिले थे उनके आश्रम में सेवाग्राम में सेंट्रल इंडिया में, और उस समय गांधी जी ने उनको बताया एक साल उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल की चंपारण के किसानों के लिए। राजकुमार शुक्ला नाम का एक शेयर क्रॉपर चंपारण से गांधी जी के पास आया उनसे सहायता मांगने के लिए, और लगभग एक महीने तक उनके पीछे वो घूमता रहा। जब गांधी जी उनके साथ जाने के लिए तैयार हुए, सबसे पहले वो पटना गए और वहाँ पर वो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पर रुके, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। वहाँ से फिर गांधी जी मुजफ्फरपुर गए, प्रोफेसर जे बी कृपलानी से मिले, और वहाँ पर दो दिन तक एक प्रोफेसर मलकानी से मिले, जो एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे और एक गवर्नमेंट सर्वेंट के यहाँ एक फ्रीडम फाइटर का रुकना बहुत बड़ी बात थी। गांधी जी ने फिर जाकर वहाँ पर मुजफ्फरपुर में लॉयर्स को काफ़ी धमकाया कि वो गरीब किसानों से इतना पैसा क्यों ले रहे हैं। इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स जो थे चंपारण के, उन्होंने शेयर क्रॉपर्स को 15% इंडिगो उगाने के लिए बाध्य कर रखा था टैक्स के रूप में। लेकिन जब उन लैंडलॉर्ड्स को पता लगा कि जर्मनी ने डेवलप कर लिया है सिंथेटिक इंडिगो, तो उनको जो है अब इंडिगो उगवाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद कराने के लिए शेयर क्रॉपर से कुछ पैसा चाहते थे। तो कुछ जो लोग अनजान थे इस घटना से कि आर्टिफिशियल जो इंडिगो अब तैयार हो सकता है, उन्होंने तो उनको पैसे भी दे दिए और साइन भी कर दिया, लेकिन काफ़ी सारे पीजेंट्स जो है कोर्ट चले गए थे। लेकिन इस वजह से बाद में जो है जिन लोगों ने किसानों ने पैसे दे रखे थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को, वो अपने पैसे भी वापस चाहते थे। इस पॉइंट पे गांधी जी चंपारण पहुँचे। गांधी जी ने ब्रिटिश ऑफिशियल्स कमिश्नर को ट्रिहट में जाकर डिवीज़न में जाकर उनसे बात की, उसने उनको कहा कि वो इमिडिएटली वहाँ से चले जाए। गांधी जी ने मना कर दिया वहाँ से जाने के लिए। फिर वो मोतिहारी गए जो चंपारण की कैपिटल थी। वहाँ पर एक ब्रिटिश मैसेंजर आया, उसने एक ऑफिशियल नोटिस दिया गांधी जी को कि वो चंपारण से इमिडिएटली चले जाए। गांधी जी ने साइन कर दिया और सिप पे ये लिख दिया कि वो इस लॉ को डिसोबे करेंगे और वो वहाँ से नहीं जाएंगे। फिर एक ऑर्डर आया कोर्ट से, उनको सर्व किया गया कि कोर्ट में पेश होने के लिए। फिर हज़ारों पीजेंट्स जो है गांधी जी की सपोर्ट में आ गए, गवर्नमेंट जो है बिखर गई, घबरा गई, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने रिक्वेस्ट की जज से कि गांधी जी के ट्रायल को पोस्टपोन करें, क्योंकि पब्लिक को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया कि उस डिले का, और गांधी जी को कहा कि वो बेल कराएं और कुछ समय बाद उनके ऊपर ट्रायल होगा। गांधी जी ने कहा मुझे बेल नहीं चाहिए, मुझे अभी जजमेंट चाहिए। ओके, फिर बहुत सारे जो लॉयर्स थे गांधी जी के साथ जेल जाने के लिए तैयार है, अगर गांधी जी जेल जाएंगे तो हम भी जेल जाएंगे। गांधी जी ने कहा कि अब मैं चंपारण की बैटल जीत गया हूँ, क्योंकि सारे लोग मेरे साथ जेल जाने को तैयार हैं। जून में गांधी जी को वहाँ सर एडवर्ड गेट ने, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने बुलाया और उन्होंने एक ऑफिशियल कमीशन बैठाई शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम में सिचुएशन को जानने के लिए। तो उन्होंने लैंडलॉर्ड को गिल्टी ठहराया कि वो शेयर क्रॉपर्स को हरास कर रहे हैं। उनको कहा कि वो 50% जो है पैसा शेयर क्रॉपर्स का वापस कर दें, लेकिन लैंडलॉर्ड इसमें काफ़ी रिजिड दिखे। तो फिर गांधी जी जो है 25% पे ही मान गए, और इस बात को सब यूनानिमसली मान गए। गांधी जी ने कहा कि अमाउंट जितना रिफंड हुआ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कि लैंडलॉर्ड उनके आगे पहली बार झुके हैं। और कुछ ही सालों के बाद ब्रिटिश प्लांटर्स ने वहाँ पर अपनी एस्टेट्स को छोड़ दिया और वहाँ के जो पीजेंट्स थी उसके मालिक बन गए, और गांधी जी का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। ये आज़ादी की सबसे पहली लड़ाई थी जो गांधी जी ने जीती थी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसकी बेस पे आप इसके क्वेश्चन आंसर इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। थैंक यू।